जयनगर मधुबनी स्वामी रफी की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय में मंगलवार की शाम एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार, अनुमंडल और निर्वाचन पदाधिकारी कुमुदरंजन, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, राजकुमार गिरी व पी दिनाकरन ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार ने कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि इस छोटे से जगहों पर आज भी गीतकार स्वामी रफी के चाहने वाले हैं। मुझे आज ही पता चला कि रफी साहब के दुनिया से विदा लेने के बाद सन 1981 से ये कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों के द्वारा आयोजित की जा रही है। मेरी ओर से आयोजक मंडली को शुभकामनाएं। वहीं अवर निर्वाचन पदाधिकारी कुमुदरंजन ने कहा कि स्वामी रफी के गाए हुए गीत आज भी लोगों को बहुत कुछ याद दिलाती है। आयोजकों के द्वारा एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को भी अपने अंदर छिपे प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम की संचालन कर रहे साहित्यकार डॉक्टर सदरे आलम गौहर ने स्वर मोहम्मद रफी साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब जयनगर के स्थानीय कलाकारों को रफी साहब के दुनिया से अलविदा होने की सूचना मिली, तब से लगातार जयनगर में एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध गायक इंदर जी ने भजन से किया। वहीं इंदर जी ने वो जब याद आए बहुत याद आए, डाय त्रिपुरारी प्रसाद ने जय रघुनंदन जय सियाराम, अविनाश कुमार ने मधुबन में राधिका नाचे रे, दुर्गेश कुमार ने सुख के सब साथी दुख है हमें न कोई, सुरेंद्र कुमार ने दिल एक मंदिर है प्यार की जिसमें होती है पूजा, ईश्वर दयाल ने ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, सोनू जोशी व मयंक भीमसरिया ने तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, राजन कुमार ने मेरी जिंदगी में आती तो कुछ और बात होती, रूपा कुमारी ने हंसता हुआ नूरानी चेहरा गीत प्रस्तुत किया। जबकि दर्जनों की संख्या में स्थानीय कलाकारों ने स्वामी रफी साहब के गाए गीत को गाकर लोगों का मन मोह लिया। मौके पर नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, डाय श्रीमती अनु सिन्हा, डाय मनोहर जायसवाल, जय नारायण यादव, कनीय अभियंता जय प्रकाश, सूर्य देव सिंह, उधव कुंवर, विनोद कुमार शर्मा, शिवजी पासवान, गोविंद कुमार मंडल, प्रवीर महासेठ, अरुण जैन, सरदार कृपाल सिंह, अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह, राजू वाजपेयी, मंजर हसन गुड्डू, सुभाष शर्मा, सुमन शर्मा, अरुण गुप्ता, गणेश पासवान, गोपाल सिंह समेत भारी संख्या में स्वर्णमोर रफी के चाहने वाले दर्शक मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार डॉक्टर सदरे आलम गौहर व कुमार सच्चिदानंद निल्लू ने संयुक्त रूप से किया। आयोजित कार्यक्रम में गीत को संवारने के लिए तबला पर सत्य नारायण मिश्र, पेड़ पर प्रमोद जी एवं हारमोनियम पर इंदर जी व कृष्ण कुमार के नाम शामिल हैं। जयनगर से मोहम्मद अली की खबर। Oh,
अनुमंडल न्यायालय जयनगर के पेशकार देवबन बाबू को अनुमंडल अधिवक्ता संघ के द्वारा दी गई सम्मान विदाई विदाई समारोह की अध्यक्षता संघ के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार पूर्वे ने की। समारोह में संघ के महासचिव विजयकांत चौधरी, पीएन झा, ओम प्रकाश सिंह, भरत कुमार रजक, चंदेश्वर प्रसाद, दिलीप कुमार झा, कृष्ण कुमार सिंह, इंद्र कुमार सिंह, श्याम किशोर सिंह, कुमार राणा प्रताप सिंह सहित अन्य अधिवक्ताओं ने उनके सेवा काल की प्रसन्नता करते हुए उन्हें पाक, दुपटा एवं माला से सम्मानित किया। For admission, please visit St. Xavier's Play School Devinagar near Petrol Pump Jainagar. हर लाखी मधुबनी संवाददाता हर लाखी के निवर्तमान बीसीओ हर्षवर्धन को पूरे सम्मान के साथ भावभीनी विदाई दी गई। उनके विदाई के उपलक्ष्य पर मंगलवार को प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रवण झा ने किया। विदाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ मार्कंडेय राय व सीओ शशिभूषण प्रसाद सिंह, बीएओ अभिनय प्रियदर्शी, सांख्यिकी पदाधिकारी शत्रुधन राम सहित विभिन्न पदाधिकारी और उपस्थित पैक्स अध्यक्षों ने पाक दोपट्टा व फूल माला पहनाकर बीसीओ को विदाई दी। इस अवसर पर बीडीओ एम राय ने कहा कि हर पदाधिकारी को अपने सेवा काल में अनेकों बार तबादलों के दौर से गुजरना होता है। यह एक सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन जो पदाधिकारी अपने कार्यकाल में जनता के बीच मधुर संबंध बना लेते हैं, उनके विदाई के समय हर कोई भावुक हो जाता है। लोक सेवा के क्रम में बेहतर काम करने वाले पदाधिकारी जनता के दिल में भी अपनी जगह बना लेते हैं। वहीं सीओ शशिभूषण प्रसाद सिंह ने भी कहा कि एक जगह से दूसरे जगह पदाधिकारियों का तबादला होना एक सामान्य प्रक्रिया है, खासकर बचकर 3 साल के बाद तबादला होना तय हो जाता है। इन सब के बावजूद अगर हम जनता के साथ बेहतर कार्य करते हैं तो लोगों के द्वारा सदा याद किए जाते हैं और विभाग में भी सम्मान मिलता है। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रवण झा ने कहा कि आज हम लोगों के बीच जनता के लिए बेहतर कार्य की मिसाल पेश कर बीसीओ का यहाँ तबादला हो गया, जो दुख के साथ साथ खुशी का भी एहसास कराता है कि इन्होंने अपने सेवा काल में जनता के लिए सबसे बेहतर प्रदर्शन किए हैं। साथ ही उक्त पर पदभार ग्रहण करने वाले वर्तमान बीसीओ से भी बेहतर कार्य की उपेक्षा करता हूं। इस दौरान नए वर्तमान बीसीओ सुनील कुमार मंडल को भी पदाधिकारियों की उपस्थिति में पदभार ग्रहण कराया गया। मौके पर श्रवण झा, सुदिष्ट नारायण झा, राम इकबाल यादव, पारसनाथ झा, इंद्रदेव यादव, सत्यदेव साह, सूर्यदेव महतो, उमाशंकर चौधरी व बिलटू साह सहित कई लोग मौजूद थे। हर लाखी से अब्दुल माजिद की खबर। जयनगर मधुबनी देवघा थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि जयनगर थाना क्षेत्र के बैरा गांव निवासी मोहसन शेख पिता स्वलतीफ शेख को 30 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया, जबकि थाना कांड संख्या 6218 के फरार शराब तस्कर अमाटोला उसराही गांव निवासी मो वकील पिता मोहम्मद रफीक शामिल हैं। बासोपट्टी मधुबनी बासोपट्टी बाजार में अतिक्रमणकारियों पर बुधवार को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण खाली कराया गया। सड़क के दोनों तरफ बने नाला से आगे तक को खाली कराया जा रहा है। अतिक्रमण खाली बीडीओ मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में कराया जा रहा है। खाली कराने में एसआई सच्चिदानंद प्रसाद सहित अन्य पुलिस फोर्स शामिल थे। बीडीओ ने बताया कि पूरे बाजार को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा, अभियान शुरू कर दिया जाएगा। बासोपट्टी बाजार के मुख्य सड़क को दोनों तरफ दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसके कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगना आम बात सी हो गई।
आवागमन में राहगीरों को काफी परेशानी हो रहा था। सड़क के दोनों साइड मिट्टी भरकर अतिक्रमण कर लेने से सड़क का पानी का बहाव नाला में बंद हो गया था। सड़क पर पानी लगने से रोड टूट रहा था। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी जमने लगा था। लोगों ने इसकी शिकायत COBDO व थाना अध्यक्ष से किया। शिकायत के बाद अतिक्रमण किए गए सभी दुकानदारों को नोटिस भेजकर अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया, लेकिन दुकानदारों में अतिक्रमण को खाली नहीं किया। इसके बाद BDO ने अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर खाली कराना शुरू कर दिया है। लोगों ने BDO के इस कार्य को जमकर सराहना कर रहे हैं। रिटायर फौजी राम यतन प्रसाद ने बताया कि प्रशासन की यह सराहनीय कदम है, उनकी भरपूर तारीफ की जानी चाहिए। बासुपट्टी से मनोज झा की खबर। रेमंड शॉप एक ही छत के नीचे आपको अलग अलग रेंज में सूटिंग शर्टिंग सूट रेडीमेड टाई टॉवल बेल्ट एक्सेसरीज और भी बहुत कुछ मिल रहा है। साथ ही कस्टम टेलरिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है वीर कुंवर सिंह चौक मेन रोड जयनगर बेनीपट्टी बेनीपट्टी प्रखंड के पाली मझिला टोला में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शिविर लगाकर मुफ्त LPG गैस कनेक्शन का वितरण नंदी HP ग्रामीण वितरक बसेठ के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वितरक राजीव कुमार चौधरी ने किया, जहां मुखिया मिथिलेश कुमार मिश्र, आंगनबाड़ी सेविका रागनी देवी, जीविका के गायत्री देवी, वार्ड सदस्य दिलीप दास, कर्मी प्रवीण झा, अनिल मंडल, कुंदन पासवान, शिव कुमार महतो ने संयुक्त रूप से महिलाओं को गैस कनेक्शन का वितरण किया। इस दौरान 40 महिलाओं के बीच निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। इस मौके पर वितरक राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में PM उज्ज्वला योजना सार्थक साबित हो रही है। इससे पहले LPG गैस का कनेक्शन लेना गरीबों की वश की बात नहीं थी। इस सरकार से पहले इतने बड़े पैमाने पर किसी सरकार में गैस कनेक्शन का वितरण नहीं किया गया। आज के समय में LPG गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया सुलभ हो गई है। आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी खाना बनाने के लिए गैस का उपयोग करने लगी है। यह हमारे देश की ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़े सम्मान की बात है। आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए मुखिया श्री मिश्र ने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं को सम्मान देते हुए उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दे रहे हैं, ताकि महिलाओं में जलावन की आग से निकलने वाली धुआं से होने वाली बीमारी पर लगाम लगाया जा सके। दूसरे तरह हमारे पर्यावरण को भी काफी फायदे होगी। गैस पर खाना बनाने से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, इसलिए हम सभी को मिलकर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने काम करना चाहिए। मधुवापुर से विक्रम भगत की खबर। जयनगर सिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जयनगर और आसपास की खबरें सबसे पहले आपको मिले।